अगली खबर मैनपुरी से आ रही है, जहां सर्दी के मौसम में भयंकर कोहरा और सड़क दुर्घटनाएं और सामाजिक अपराध स्वतः ही बढ़ जाते हैं। पुलिस की ऐसे में बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैनपुरी जनपद के पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी है। दिसंबर का अंतिम सप्ताह है, सर्दी अपने चरम पर पहुंच गई है। आइए सुनते हैं कमल दीक्षित ने लोगों से क्या अपील की है। सर्दी के मौसम में पुलिस के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। एक तो कोहरे का रहता है, ऐसे में आपराधिक कृत्य होने की भी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि जितने भी व्यवसायिक केंद्र हैं उधर पुलिस को गश्त को बढ़ाते हैं, साथ ही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी पुलिस की गश्त प्रभावी रहती है। लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि फॉग लाइट लगावें और साथ ही अपने वाहन को बहुत इमरजेंसी हो तभी जा करके देर रात चलावें वरना चलावें, इस बात के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। और उसी का परिणाम स्वरूप यह है कि वाहन दुर्घटनाओं में कमी आई है। इसको और हम बिल्कुल नीचे लेवल तक ले जाना चाहते हैं, जिससे कि वाहन दुर्घटनाएं कम हो सके और साथ ही अन्य आपराधिक गतिविधियों पर भी नियंत्रण स्थापित रहे, इसके लिए वो सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888 5990 पर।